हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। वॉइस के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम वॉइस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम यह भी पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस का यूज क्या है, पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं और इसका यूज क्या है, हम इसे पढ़ेंगे। तीन रीजंस मिलेंगे यूज करने के। साथ में जो कीवर्ड्स होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के वक्त में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कीवर्ड्स होते हैं, मेन तीन कीवर्ड्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए, इनको भी समझेंगे। और हम सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की पहचान कैसे कर पाएंगे आसानी से, हम इतना चीज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वॉइस में। इसके बाद वाले में वॉइस बनाने का जो भी प्रक्रम होगा, जैसे जनरल रूल ऑफ पैसिव वॉइस एटसेट्रा, वो मिलेगा। लेकिन पहले इंट्रोडक्शन टू वॉइस, और इसमें पहला शुरू होता है डेफिनेशन। वॉइस मतलब वॉच। डेफिनेशन में पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, उसके बाद हम वॉइस का डेफिनेशन देखेंगे। पहले डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो वॉइस होता है वह दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तरी वॉच और कर्म वॉच। हिंदी में कहेंगे, अगर इस हिंदी में चेंज करके, तो कर्तरी वॉच एंड इसको कहते हैं कर्म वॉच। तो दो तरह का होता है। तो पहला जो होता है एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो इसमें कह रहा है कि जब डूअर, यह एक कीवर्ड है, कीवर्ड में पढ़ेंगे हम कि डूअर किसे कहते हैं, लेकिन अभी समझ भी लगेगा डूअर क्या है। जब डूअर कार्य करने का जो डूअर है वह सब्जेक्ट है, तब हम कहते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जैसे यहां पर देखिए, राम कैन ईट अन एप्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ कार्य करने, कार्य क्या है, एक्शन क्या है, ईट खाना। तो राम कैन ईट अन एप्पल मतलब राम एप्पल खा सकता है, हिंदी है। तो यहाँ पे जो एक्शन का काम कर रहा है उसे कहते हैं डूअर। डूअर क्या होगा, राम। तो अभी आपने क्या समझा कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसी को कहते हैं हम डूअर। दोबारा पढ़ेंगे इसी स्लाइड में जब आएगा कीवर्ड्स के बारे में तब। तो जब डूअर होता है एक्शन का और वह सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, तब कहते हैं कि वह एक्टिव वॉइस में है। अब देखिए इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नीचे लिखा हुआ है, अन एप्पल कैन बी ईटन बाय राम। कैसे बनता है इसे तो हम आगे के लेक्चर्स में देख ही लेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी, कैन एक मॉडल वर्ब है और किसी भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में उस मॉडल वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी जोड़ देते हैं, तो इसी तरह से बन गया है, एन एप्पल कैन बी ईटन बाय राम। बाकी जो रूल्स लगाए हैं, रूल्स आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत बहुत आसान से हैं, बट अभी फोकस करते हैं अपने जो पढ़ रहे हैं डेफिनेशन उस पे। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होता है तब उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जब रेसिपिएंट होता है, इसे बोलते हैं रेसिपिएंट, प्राप्त करने वाला, तो इसे कहते हैं, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट रेसिपिएंट होता है तब कहते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब जरा देखिए, कोई एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह डूअर होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, ध्यान रखिए, वह रेसिपिएंट होता है। तो जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट रहता है तो कहते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, तो हम कहते हैं कि रेसिपिएंट सब्जेक्ट बन गया है, और जब रेसिपिएंट सब्जेक्ट बन जाता है तो हम कहेंगे कि वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। फिर से डूअर और रेसिपिएंट को समझते हैं। देखिए, राम कैन ईट अन एप्पल, इस एक्शन से ही डिसाइड होता है कौन डूअर है कौन रेसिपिएंट है।
जो एक्शन का कार्य करता है उसे कहते हैं डूअर। तो ईट करने काम कर रहा है राम, इसे कहेंगे डूअर। लेकिन जिसका एक्शन पर, जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं रेसिपिएंट, प्राप्त करता। खाने खाना राम तो खाता है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? एप्पल पे, एप्पल खाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसे कहते हैं रेसिपिएंट। तो सिंपल सा यही डेफिनेशन है कि जब एक्शन करने वाला, यहाँ पे देखेंगे ना एक्शन, यहाँ पे ईटेन है, ईटेन में एक्शन करने वाला राम है और जो रेसिपिएंट है एप्पल है। तो इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर भी एक्शन है, इधर रेसिपिएंट को पहले रखा गया है और कार्य करने वाले को बाद में रखा गया है। तो जब कार्य करने वाले को पहले रख दिया जाएगा उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस, और जब कार्य करने वाले को पहले न रख करके कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे पहले रखेंगे तो उसे कहेंगे रेसिपिएंट। तो एक्टिव वॉइस जब डूअर सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का तब कहते हैं हम एक्टिव वॉइस, और जब रेसिपिएंट सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का तब कहते हैं हम पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, डूअर है, इसलिए राम कैन ईट एन एप्पल पैसिव वॉइस नहीं है, एक एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पे एन एप्पल जो कि रेसिपिएंट है सब्जेक्ट बन गया है, तो इसलिए एन एप्पल कैन बी ईटन बाय राम, यह एक पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब डेफिनेशन वॉइस का क्या होगा, इनको ही मिलाकर। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, क्रिया। तो क्रिया का क्या है, यह एक रूप है। एक्शन अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, अगर अ वर्ब भी कह दें तो भी करेक्ट है, अच्छा है अन एक्शन कह दें तब भी करेक्ट है। तो एक्शन क्रिया का एक रूप है, विच डिसाइड्स, जो डिसाइड करती है, निर्धारित करती है वेदर की द डूअर और द रेसिपिएंट ऑफ सब्जेक्ट, द डूअर और द रेसिपिएंट इज सब्जेक्ट, डूअर या रेसिपिएंट सब्जेक्ट है ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का। जब क्रिया का वह रूप ये डिसाइड करती है कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है या रेसिपिएंट है, तो हम कहते हैं कि वह सेंटेंस एक वॉयस है। जब डूअर हो जाएगा सब्जेक्ट तो एक्टिव वॉयस, जब रेसिपिएंट हो जाएगा सब्जेक्ट तो पैसिव वॉयस। यह हो गया डेफिनेशन वॉयस का, एक्टिव वॉयस का और साथ में पैसिव वॉयस का। आगे जो रीजंस है कि हम क्यों यूज करते हैं पैसिव वॉइस को, पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, एक जो मेन रीजन है एग्जाम्स में आता है, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं, वहां पे आता है, वह रीजन नहीं है। रीजन यह है कि जब, पहला रीजन है, जब हमें रेसिपिएंट का महत्व बढ़ाना होता है, रेसिपिएंट पर फोकस करना होता है, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा था राम कैन ईट अन एप्पल, यहाँ पे था, यहाँ पे तो डूअर ही सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमें रेसिपिएंट पे फोकस करना है, अन एप्पल पे फोकस करना है, तो हम उसको पहले कर देंगे और राम को बाद में कर देंगे। तो इस तरह से फोकस में लाने के लिए रेसिपिएंट को भी हमें करना पड़ता है डूअर का, पैसिव वॉइस का प्रयोग। जितना हम पढ़ते हैं ना, भी चेंज करते हैं पैसिव वॉइस, अधिकतर का यही रूल फॉलो, इसी रूल के कारण से हम करते हैं, हम रेसिपिएंट पे फोकस करने के लिए ही चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। जैसे राम कैन ईट एन एप्पल, राम एक एप्पल खा सकता है, अब राम का महत्व कम हो जाएगा जब हम एप्पल को पहले डाल देंगे, एन एप्पल कैन बी ईटन बाय राम, हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट पे, आप जानते भी हैं। ध्यान देने का कारण क्या होता है, जैसे जो भी वर्ब लगता है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, यहाँ भी एन एप्पल के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, राम के अनुसार तो कुछ करना नहीं, खाली बाइक के साथ राम को लिख देना है, महत्व ही कम कर देना होता है, पूरा सेंटेंस डिपेंड कर देता हो जाता है सब्जेक्ट पे, आप जानते हैं। तो जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो रेसिपिएंट का इम्पोर्टेंस हम बढ़ा देते हैं, उसको फोकस कर देते हैं, और फोकस करने के लिए जैसे कभी कभी क्या होता है व्यवहारिक जीवन में, जैसे आप जानते हैं कि आपके
आपके स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन कहीं भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो आप कहेंगे हमारे कोचिंग में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश के बारे में, मतलब इंग्लिश की पढ़ाई कैसी होती है, तो आप इंग्लिश पर बताएंगे ना, अभी इंग्लिश पर फोकस देना पड़ेगा, तब बोलेंगे इंग्लिश इज टॉट इन माई स्कूल। क्या बोलेंगे? इंग्लिश इज टॉट इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये आप पैसिव वॉइस बोल दिए हैं। तो जब आप फोकस करते हैं रेसिपिएंट पे, तो रेसिपिएंट को पहले लाना पड़ता है, जब उसका महत्व, उसके बारे में बात होती है, तो उसे पहले लाना पड़ता है, और इसी कारण से हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करना पड़ जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यह जिसमें H2O और CO2 मिलकर बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, C6H12O6, ऐसे करके बनता है, ये हो गया फोटोसिंथेसिस। एनीवेज, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, मिस स्पेलिंग में पूछता है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पे क्या रिलीज होता है उस पर फोकस करना है। तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, हम जानते हैं, देख भी रहे हैं, ऑक्सीजन O2 रिलीज होता है। तो इसे कहते हैं हम कि यहाँ पे फोकस करना हो तो ऑक्सीजन पे, इसलिए इसे पैसिव वॉइस में यूज कर दिया है। माई नोटबुक वॉज डिस्ट्रॉयड, मेरा नोटबुक बर्बाद कर दिया गया। किसने बर्बाद किया उसे मतलब नहीं है, मेरा नोटबुक बर्बाद कर दिया गया। तो यहाँ पे फोकस क्या करना है, नोटबुक के बारे में बात चल रही है, नोटबुक फोकस करना है, तो इसको पैसिव वॉइस के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब हमें रेसिपिएंट पे फोकस करना पड़ेगा, या डूअर का महत्व नहीं के बराबर होगा, जरूरत नहीं होगी बताने की, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग कर लेते हैं। पहला हो गया रेसिपिएंट पे फोकस करने के लिए। दूसरा होता है जब जो डूअर होता है, एजेंट होता है, एजेंट हम पढ़ेंगे अभी, जो कीवर्ड्स हैं, बाई के साथ जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं पैसिव वॉइस में, उसको कहते हैं एजेंट। तो जो एजेंट होता है, एजेंट अंडरस्टूड होता है, मतलब अंतर्निहित होता है, समझ, अपने आप समझ में आता है कि किसने कार्य किया है, या अंडरस्टूड होता है, मतलब अपने आप समझ में, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, इंप्लाइड और अंडरस्टूड का। अननोन होता है, अनजान होता है, अनजाना होता है, पता ही नहीं होता कौन कौन वहां पे एजेंट है। पैसिव वॉइस में एजेंट मतलब डूअर होता है, कार्य एक्शन करने वाला, और उसी वही डूअर जब बाई के साथ होता है, तो बाई के साथ उसे कहते हैं एजेंट, हम पढ़ेंगे अभी। तो जब एजेंट अंतर्निहित होता है, चाहे अनजाना होता है, चाहे नॉट टू बी रिवील्ड, रिवील्ड मतलब जिसका खुलासा नहीं किया जाना होता है, वैसा होता है, तो भी हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस। देखिए जरा, जैसे मैच अभी चल रहा है IPL, आप जानते हैं इसे BCCI कंडक्ट कराती है, हाँ, तो इसका जो डूअर है कौन है, BCCI है, अच्छा है, कहें तो एजेंट बाई के साथ डूअर बराबर एजेंट, एक कौन है, BCCI है। तो मैच हैज बीन सस्पेंडेड, मैच स्थगित हो गई है, तो मैच स्थगित हो गई, मैच की बात कर रहे हैं, एक तो रेसिपिएंट फोकस कर दिया, दूसरा जो डूअर है पता है हमें कि BCCI ही है, बताने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैच हैज बीन सस्पेंडेड। तो जब हमें जरूरत नहीं महसूस होगी, समझ, सबको समझ में आता रहेगा कि जरूरत ही नहीं है बोलने की, तब वहां पे हम यूज कर देंगे इस रीजन नंबर 2 से पैसिव वॉइस में। रूमर्स हैव बीन स्प्रेड, रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, अफवाहें कह देंगे यहाँ पे रूमर्स, इसे रूमर्स, रूमर्स पर दीजिए। तो रूमर्स हैव बीन स्प्रेड, अब जानते हैं फेसबुक पे ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, व्हाट्सएप पे है, और भी सोशल मीडिया के साइट्स जितने हैं, वहां पे कुछ भी गलत बात फैल जाती है, गलत बात, अफवाहें फैल जाती है ना, कौन फैलाता है पता भी नहीं रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जो होता है एजेंट वह अननोन होता है, हा?
तो वहां पर भी हमें पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का प्रयोग कर लेंगे। रूमर्स हैव बीन स्प्रेड, रूमर्स फैलाए गए हैं, किसने फैलाए पता ही नहीं हमें, तो बोलना तो पड़ेगा सेंटेंस में, तो भी पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा कारण है ऑथोरिटेटिव टोन, मतलब आदेशात्मक आवाज। आप देखे होंगे पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे बस स्टॉप्स पे लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब धूम्रपान मना ही है, धूम्रपान मना है। तो यह क्या है, यह एक आदेश है, आदेशात्मक वाक्य है, और आदेशात्मक वाक्य को भी पैसिव वॉइस में दिखाया जाता है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ऐसे ही पार्क्स में लिखा होता है चिल्ड्रेन मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यह भी पैसिव वॉइस है। कैसे बनता है पैसिव वॉइस, तो हम बाद में पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस है दोनों। तो यहाँ पे जो भी आदेशात्मक आवाज होते हैं उनको भी दिखाते हैं। तो इस तरह से तीन रीजन हैं पैसिव वॉइस यूज करने के। पहला रीजन आप देख सकते हैं, पहला रीजन है कि जब रेसिपिएंट पे हमें फोकस करना पड़ता है और हम जो चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव, यही रेसिपिएंट फोकस करने के लिए करते हैं। दूसरा, जब जो एजेंट होता है बाई प्लस डूअर होता है, अगर इम्प्लाइड है, अनस्टूड है, नॉन है, चाहे जिसको छुपाना जरूरी है, तब भी हमें यूज करना पड़ता है पैसिव वॉइस को। और फिर जब पैसिव वॉइस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई आदेशात्मक वाक्य देना होता है, आदेशात्मक आवाज वाला वाक्य लिखना पड़ता है, तो भी पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, जैसे कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। तो ये तो हो गया रीजंस फॉर यूज। अब आगे है थ्री मेन कीवर्ड्स यूज इन वॉइस। देखिए, एक है डूअर, समझ गए होंगे, दूसरा रेसिपिएंट, और तीसरा है एजेंट। एजेंट क्या कहेंगे, बाई प्लस डूअर, इसी को कहते हैं हम एजेंट, बाई प्लस डूअर को एजेंट कहते हैं। तो आप डूअर समझ जाएंगे, रेसिपिएंट समझ जाएंगे, तो हो जाएगा। डूअर रेसिपिएंट कहाँ पे होते हैं, एक सेंटेंस में होते हैं। सेंटेंस कौन सा, दोनों सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में भी डूअर होता है और पैसिव वॉइस में भी डूअर होता है। रेसिपिएंट एक्टिव वॉइस में भी होता है और रेसिपिएंट पैसिव वॉइस में भी होता है। लेकिन जब डूअर के अनुसार, जब डूअर सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तब हम कहते हैं कि वह जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है। एक डेफिनेशन देखा था, तो राम कैन ईट अन एप्पल, उसी एग्जांपल को रखा है। यहाँ पे एक्शन करने का कार्य जो कर रहा है उसे कहते हैं डूअर। तो ईट करने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम डूअर है और डूअर सब्जेक्ट है, तो इसे कहेंगे डूअर। और कार्य का जो प्रभाव, एक्शन का जो प्रभाव पड़ता है जिस पर, अर्थात जो कर्म होता है, उसे कहते हैं रेसिपिएंट। तो अनेपल क्या है, रेसिपिएंट है। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है और ऑब्जेक्ट रेसिपिएंट होता है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो पैसिव वॉइस बनाया नहीं है, यहाँ पे देखिए रेसिपिएंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सेम चीज, ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं रेसिपिएंट, इसी चीज को यहाँ तो तीर मार ही दिया हमने, रेसिपिएंट। इन पैसिव वॉइस रेसिपिएंट बिकम्स द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब इसका पैसिव वॉइस अगर बनाया जाए, इसका चाहे इसका ही एक ही बात है, तो आप देख चुके हैं अन अन एप्पल कैन बी ईटन बाय राम। तो यहाँ पे अन एप्पल को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया, जो रेसिपिएंट है उसे सब्जेक्ट कर दिया, तो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है जो वो रेसिपिएंट होता है। किंतु मैंने क्या कहा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो चाहे पैसिव वॉइस सेंटेंस हो, दोनों में डूअर, दोनों में रेसिपिएंट होता है। अंतर यही है कि एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में डूअर रेसिपिएंट होता है, सॉरी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रेसिपिएंट होता है। नाउ एजेंट बाय प्लस डूअर को, और बाय प्लस डूअर कहाँ होता है, हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पे आप डूअर और रेसिपिएंट तो एक्टिव वॉइस में भी होता है, पैसिव वॉइस में भी होता है, लेकिन एजेंट केवल पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि बाय प्लस डूअर को कहते हैं हम एजेंट।
ठीक है, यही तीन कीवर्ड्स हैं जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब बात है वॉइस एंड वर्ब्स की, ट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस उसी उसी एक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, उसी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं जिसका वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है आप जानते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया का कर्म होता है, भले हो चाहे ना हो लेकिन कर्म होता है उसी को करेंगे हम। देखिए यहाँ पे मेधा इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, मेधा ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। चिल्ड्रेन गिव स्माइल्स, बच्चे स्माइल देते हैं। मीरा इज कॉलिंग मी, मीरा मुझे बुला रही है। दे हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, वे लोग पुलिस को सूचित कर चुके हैं। तो जितने सेंटेंस हैं इसमें पहचानते हैं कि कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वर्ब पहचान लेंगे। फिर वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगा या इन ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव है इसे पहचाने का तरीका क्या है, तो देखिए हम दो तरह का क्वेश्चन पूछेंगे उस वर्ब के साथ, होम का या व्हाट का। दोनों में से किसी एक का भी रिप्लाई आ गया तो वह वर्ब ट्रांजिटिव होता है। जैसे देखिए इसका पहले हिंदी देखिए, मेधा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मेधा ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो अब बोलेंगे सॉफ्टवेयर किसने इंस्टॉल किया, आंसर आएगा मेधा। तो किसने मतलब होम, होम का आंसर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड है यह हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। चिल्ड्रेन गिव स्माइल्स, बच्चे स्माइल्स देते हैं। तो अब कौन स्माइल देते हैं, कौन स्माइल देते हैं, हुम का मतलब किसने और कौन भी मान सकते हैं क्योंकि हु का ही फॉर्म होता है। कौन स्माइल देते हैं तो आप क्या कहेंगे, चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे भी आंसर मिल रहा है, तो इसे भी कहेंगे कि यह भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मीरा इज कॉलिंग मी, नहीं, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, फिर सुनिए। ये जो जितना एक ग्रीन में है ना, ये सब एक तो ग्रीन वाले व्हाट का आंसर कर रहे हैं और जो ये ब्लू वाले हैं ये कर रहे हैं होम का आंसर। कैसे कर रहे हैं जरा फिर से देखिए, मैं जानता हूं तो मैं कैसे ही बता दे रहा हूँ। एनीवेज मेधा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मेधा ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो हम कहेंगे इंस्टॉल किया। क्या इंस्टॉल किया, तो सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आंसर देखिए, हमने कहा कि हम मेधा जो भी कहा था मेधा कह दिया था, हमें तो ऑब्जेक्ट के साथ आंसर पढ़ना है ना, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना है। तो जो आंसर मिलेगा व्हाट का और होम का वो ऑब्जेक्ट के साथ मिलना है, तो मेधा ने क्या इंस्टॉल किया, तो सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा है। चिल्ड्रेन गिव स्माइल्स, बच्चे स्माइल्स देते हैं, तो बच्चे क्या देते हैं, तो स्माइल्स। यहाँ भी वर्ड का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे गिव्स इंस्टॉल एंड गिव ये दोनों जो भी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ मीरा इज कॉलिंग मी, मीरा मुझे बुला रही है। अब इस पे क्या कहेंगे, किसे, हटाइए इसको, किसे, मीरा किसे बुला रही है, तो मी मुझे, तो यहाँ पे होम का आंसर आ रहा है, आंसर इसके साथ आना चाहिए। दे हैव इन्फॉर्म द पुलिस, उन्होंने पुलिस को सूचित किया है। उन्होंने किसे सूचित किया है, पुलिस को, तो यहाँ पे किसे का आंसर आ रहा है, होम का आ रहा है। इसलिए जब वर्ब से आप आंसर पूछेंगे कि उसका हिंदी निकालते हुए उसी का लहजा में व्हाट या होम का, अगर आपको लगता है कि व्हाट का आंसर आ गया तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर लगता है होम का आंसर आ गया तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है। और आपके जानकारी के लिए जब कोई लिविंग थिंग होगा जैसे मी द पुलिस, तो यहाँ पे होम का आंसर आएगा, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है जैसे कि सॉफ्टवेयर स्माइल्स, इसके साथ व्हाट का आंसर आता है। तो यही है ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का रूल। तो इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, फटाफट एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि
वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। वॉइस दो तरह का, दोनों का डेफिनेशन देख लिया, साथ में वॉइस के प्रयोग का तीन रीजन, एक जब रेसिपिएंट फोकस करना पड़ता है, दूसरा जब एजेंट इम्प्लाइड अंडरस्टूड अननोन या नॉट टू बी रिवील्ड वाला होता है तब, और तीसरा ऑथोरिटेटिव टोन, जब हमें कहीं व्यक्त करना पड़ता है तभी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। थ्री कीवर्ड्स में डूअर, रेसिपिएंट और एजेंट देखा। जो एक्शन करता है उसे डूअर कहते हैं, जो जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। डूअर और रेसिपिएंट दोनों ही होते हैं दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में, अर्थात एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में। और एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में रेसिपिएंट सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर एजेंट बोलते हैं बाय प्लस डूअर को, एजेंट बोलते हैं जो केवल पैसिव वॉइस में होता है। और फिर हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब का रोल। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वाले ही सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बदलता है। सकर्मक क्रिया पहचाने का तरीका यही है कि हुम या व्हाट आंसर, क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो अगर आंसर करता है वर्ब अपने मीनिंग के अनुसार तो हम कहेंगे कि वह सकर्मक क्रिया है, नहीं करता है तो सकर्मक क्रिया नहीं है। थैंक यू वेरी मच।